टूल्स बार में होती हैं स्टूडेंट्स। ये टूल बार आपको दिख रही होंगी, ये मैं आपको यहाँ पे विंडो मेन्यू में दे जाओ, ये आपको टूल बार दिख रही होंगी। इसमें ये टूल बॉक्स है, इसको यहां से ऑन ऑफ करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉकर का पूछ रहे हैं, तो डॉकर आपका डॉकर में होता है, ये दोनों ऊपर नीचे पड़े हुए, और ये तीसरा पैलेट होता है। ये तीन चीजें आपकी इकट्ठी पड़ी हुई, चौथी वर्क स्पेस है। ठीक है, मैं आपको, अगर आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है, जिसे वर्क स्पेस बोलते हैं, अगर डिस्टर्ब है तो वर्क स्पेस आपको दोबारा से मैं बताऊं। ये वर्क स्पेस क्या होती है? वर्क स्पेस मीन्स आपका टूल बॉक्स, जो कि ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, और साथ में ये डॉकर्स जो कि राइट साइड पे पड़े हुए हैं। डॉकर्स आप देख रहे हो, मैंने आपको बहुत दिन पहले जब हमने कॉरल स्टार्ट की थी, मैंने कहा था दो डॉकर्स आपने फोकस रखना है उस पर, दो डॉकर्स पे, एक प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टी का डॉकर, और एक ऑब्जेक्ट। अगर ये आप क्रॉस कर भी दो डॉकर, डॉकर अगर आपको कोई भी नहीं दिख रहा, इस वक्त कोई भी नहीं है, डॉकर इधर होते हैं पैलेट के साथ, अगर आपको नहीं दिख रहा डॉकर, तो आप यहां से विंडो मेन्यू में जाओगे, इसे बोलते हैं डॉकर। टूल बार में ना जाना, टूल बार में मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया था, ये पांच ऑप्शंस को ऑन रखना है, और इनकी मैंने जगह भी बता दी थी, कौन चीज चीज कहां पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा, जहां तक बटन का साइज है वो यहां से बड़ा कर सकते हो, स्मॉल बटन है ना, थोड़ा बड़ा कर दूं, लार्ज कर दूं, ये देखो स्क्रीन पे गौर करो, थोड़े बड़े बड़े बटन नहीं हो गए? ये विंडो मेन्यू में जाके करते हो, टूल बार जो मैं पांच ऑन ऑफ करने सिखाई थी, इसके बिल्कुल टॉप पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़े बटन नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा ठीक है, हाँ मेमुना आपकी क्वेश्चंस हैं, अगर आप वॉइस के थ्रू करना चाह रहे हो चैट, वो भी कर सकते हो, चैट बॉक्स भी है। वैसे तो मैंने आपको टेस्ट भी करना है, आप में से कोई बोल सकता है स्टूडेंट, आपके पास फैसिलिटी है, सराउंडिंग में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बोल सकते हो, मैं सुन सकता हूँ, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो। और ये जो आपको दिख रहा है विंडो मेन्यू में, ये आपको तीन चार ऑप्शन ऊपर नीचे दिख रही होंगी विंडो मेन्यू में, और भी है, ये सारी ऑप्शंस मैं आपको आज की आज बता सकता हूं, अभी बता देता हूं, विंडो मेन्यू की सारी ऑप्शन मैं आपको। अच्छा, एक तो ये स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, जरूरत नहीं है, आपको भी दिख रहा है, उधर जो बैठे हुए उनको भी दिख रहा है, ये बड़ा जब हॉल होता है तो उसमें इन बटन्स को थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया जाता है। मैं अगर ट्रेनर होता और ये काफी बड़ा क्या आपका हॉल के अंदर हम बैठे होते, तो मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाने के लिए पूरे का पूरा मेन्यू, स्टैंडर्ड बार, स्टेटस बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग बिग साइज में नजर आ रहे हैं। ये क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि मैंने एक ऑप्शन को एक्टिव किया है विंडो मेन्यू में, टूल बार्स में बिल्कुल टॉप पे ऑप्शन है, डिफॉल्ट बटन साइज, आपने डिफॉल्ट बटन साइज अगर मीडियम कर दूं, दरमियाना हो जाएगा, ये देखो ये भी ठीक है, और अगर आप नॉर्मल करना चाह रहे हो, जो होता है वो आपका टूल बार में बिल्कुल टॉप पे स्मॉल कर सकते हो। ये जिस डिस्टेंस में मैं बैठा हूं अपने लैपटॉप पे, मुनासिब है मेरे लिए। हाँ, अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस पे होता और आप लोगों को ना दिखाई दे रहा होता कि सर मुझे समझ नहीं आती किस टूल को क्लिक करते हैं, कौन से मेन्यू में जाते हैं, किस बटन पे क्लिक करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता, तो सर जरा थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बड़ा हो सकता है, ये पूरा एनवायरमेंट इंटरफेस जो है कॉरल का बड़ा हो सकता है, इंटरफेस का मतलब मेन्यूज, स्टैंडर्ड बार, टूल बार्स जितनी भी हैं, सब चीजें बड़ी बड़ी आपको दिखाई देंगी, समझाइए स्टूडेंट्स। अच्छा, ये कहां से किया? ये विंडो मेन्यू में, विंडो मेन्यू में ये है आपकी वर्क स्पेस, ये है डॉकर, ये है टूल बार, ये है कलर पैलेट, और ये है वेलकम स्क्रीन। इस वक्त आपके दो डॉक्यूमेंट ओपन हैं, एक वो जो मैंने खाली अभी आपके सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं बनाया, एक आपको पता है जब स्टार्ट में आए थे वेलकम स्क्रीन भी थी, जो कि बराबर में पड़ी हुई है टैब की सूरत में, इसे टैब बोलते हैं, ये टैब है, ये वेलकम स्क्रीन का टैब है, ये वो फाइल है जो अभी मैंने आपके सामने बनानी है या बनाऊंगा, अभी दो फाइलें हैं, ये यहां से आपको पता चल जाता है कि कितनी फाइलें ओपन की हुई। मिसाल के तौर पे मैं एक काम करता हूं,
एक ऐसी फाइल ओपन करता हूं जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ बना रखा है। ये मेरे पास और भी कुछ फाइलें पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई पिक कर लेता हूँ। आपको दिखाना ही है ना, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइलें मुख्तलिफ। एक बिजनेस कार्ड भी कभी मैंने शायद कोई बनाया हो, ये फास्ट फूड का मैक के लिए कुछ बनाया हो, लोगोज कुछ डिजाइन की हो, फर्नीचर एक्सपो के लिए मैंने एक फाइल बनाई थी। ओपन करके देखते हैं क्या बनाया था मैंने, मुझे खुद याद नहीं क्या बनाया था। ये एक सिंपल सा एक डिजाइन, ये उसका एक और पेज, इस तरह कुछ डिजाइन यहाँ पे रेडी किए थे। कोई इसी तरह मैं किसी क्लास को ट्रेनिंग दे रहा हूँगा, ये मैंने कुछ बनाया था। इसका मतलब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, अगर आपसे कोई कहे इस वक्त टोटल कितनी फाइलें ओपन की हुई हैं, कैसे पता चलेगा? यहां से पता चलेगा बच्चों, ये पहली फाइल जो इस वक्त है फर्नीचर वाली, ये वो खाली फाइल, और ये उससे पहले वेलकम स्क्रीन। वेलकम स्क्रीन को चलो मैं बंद कर देता हूं। अब सिर्फ दो फाइलें आपकी ओपन है, एक ये बराबर में है। एक और चलिए फाइल ओपन करता हूं मैं, जरा विंडो मैंने आज समझा दूं जल्दी से आपको। क्या नहीं हो रहा? क्रैक नहीं हो रहा? हाँ जी, आपसे भी नहीं हो रहा? अच्छा चलें, अभी 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 करते हैं। मुझे ना आज आप लोगों ने ना 10 मिनट पहले बता देना है, ठीक है? तो वैसे तो याद रहेगा मुझे, हम 2:50 पे क्लास क्लोज कर देंगे, उसके बाद 10 मिनट में आपके कुछ मसले मसाइल को देख लेंगे। अच्छा, इस वक्त स्टूडेंट्स मैंने कितनी फाइलें ओपन की हैं, अगर आप उसको देखना चाहो, बताना चाहो, आप बता सकते हो। एक ये एक पेज कोई बनाया था मैंने शायद फ्लायर वगैरह, ठीक है, उसको डिजाइन किया हुआ है, इसमें कुछ लोगोज भी बनाए हुए हैं, जैसा ये स्टार स्पोर्ट्स का, या ये आपका एक स्टार का, या ये आपका एक वो किसका है, ये लोगो आइडियाज का, ठीक है, या वो कौन सी लॉन है उसका नाम क्या था उस, हाँ, तो वो गुल अहमद के साथ ये इस तरह के लोगो आपको नजर आता है। ये लोगो मैंने डिजाइन किए थे इस क्लास सेशन में, ठीक है, ये उनके स्पॉन्सर्स हैं, ये जो भी समझ लो, ये लोगोज भी बने हुए हैं, तो ये भी इंशाल्लाह इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। इस वक्त मेरे टोटल डॉक्यूमेंट कितने ओपन है, डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, पेज की बात नहीं कर रहा, हर डॉक्यूमेंट के अपने पेज होंगे। एक पंजाब पब्लिक स्कूल का डॉक्यूमेंट करंटली दिख रहा है, उससे प्रीवियस ये फर्नीचर वाला एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, उससे प्रीवियस ये एक अनटाइटल्ड फाइल है जिसके अंदर मैं चले एक सिंपल बॉक्स बना लेता हूँ, उसका कलर भी सेट कर देता हूँ लाइक दिस, ये कर दिया। तीन फाइलें नजर आ रही हैं आपको जो मैंने मुख्तलिफ टाइमों में बनाई थी, ठीक है, तीन फाइलें आपको दिख रही होंगी। अब आपको एक चीज आपने गौर की कि जब मैं जिस टैब पे क्लिक करता हूं वो फाइल सामने आ जाती है और उसके अंदर के पेज सामने आ जाते हैं, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फ्लां फ्लां फ्लां, ठीक है। जब मैं पहली वाली फाइल पे क्लिक करता हूं तो ये खाली पड़ी हुई जिसमें एक बॉक्स बना के मैंने कलर रख दिया, उसमें दो पेजेस में भी हैं ऐसे। अगर आप विंडो मेन्यू में जाओ, ये बिल्कुल बॉटम पे देखो, आपको पता लग जाएगा आपने तीन फाइलें ओपन की हुई है, चार की हुई है, पांच की हुई है, छह की हुई है, 100 की हुई है। यहां से भी आप एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट, फर्नीचर वाले में जाना है फाइल में, ये देखो विंडो मेन्यू के थ्रू में मैं जा सकता हूं, पंजाब पब्लिक स्कूल वाली फाइल में जाना है, ये तो आ रही कि नहीं आ रही सामने। ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं। जब यहां से कर सकते हैं, क्या जरूरत है विंडो मेन्यू में जाने की? जब काम आपका हो ही जाता है तो विंडो मेन्यू में जाने की जरूरत पड़े, जरूरत ही कोई नहीं है। अच्छा, एक तो यहां से आपको विंडो मेन्यू में पता ये चलता है कि कॉरल ड्रॉ के कितनी विंडोज ओपन है, हर विंडो का एक नाम है, यानी कि फाइल, फाइल कह लो या कह लो विंडोज ओपन है, कॉरल कितनी फाइलें ओपन है, वैसे तो हमें कहना चाहिए फाइलें ओपन है, असल में फाइल भी तो एक विंडो में ओपन है ना, तो एक विंडो किसकी बनी हुई है, पंजाब पब्लिक स्कूल की, एक विंडो किसकी बनी हुई है, फाइल किसकी ओपन की हुई है, फर्नीचर वाली, एक फाइल अनटाइटल जिसको मैंने अभी तक सेव भी नहीं किया, सिर्फ एक बॉक्स बना हुआ है। जिस फाइल पे आप क्लिक करते हो उसका कॉन्टेंट सामने आ जाता है ना, चाहे यहां से कर दो टैब से। अच्छा, एक मजे की बात और सुनो, अगर आपको मैं कहूं तीनों फाइलों को दिखा दो बराबर बराबर स्क्रीन के ऊपर, अब आप वो कैसे, ये टैब दिख रहा है, इसको ड्रैग करके यहां ले आओ, ये लो, इस टैब को भी ड्रैग करके इधर ले जाओ, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एक उधर कर देते हैं, एक उधर कर देते हैं, ये साइज यहां से हर विंडो का अलग अलग सेट कर सकते हो, टूल बॉक्स वगैरह मैं साइड पे रखता हूं, ये देख रहे हो, एक ये आपकी विंडो फर्नीचर वाली और ये बराबर में पंजाब पब्लिक स्कूल वाली,
ये आप खुद से मैन्युअली सेट करोगे, टाइटल बार को पकड़ के, उसके बॉर्डर को पकड़ के, बड़ा छोटा, समझ आइए। ये जो आपने काम किया है, एक ही वक्त में दोनों फाइलों का व्यू कर रहे हो, पहले तो नहीं हो रहा था, पहले तो एक वक्त में एक हो रही थी, या फर्नीचर वाली देख रहे थे, या वो कौन सी, या फर्नीचर वाली या पब्लिक स्कूल वाली। अच्छा ठीक है, अब ये जो आपने इतनी मेहनत से ये काम किया है, विंडो मेन्यू में एक ऑप्शन होती है, गौर करना जरा, ऑप्शन के नाम सुनो, ये ऑप्शन के नाम। अच्छा ये क्या करता है, कैस्केड कर देगा, कैस्केड का मतलब इनको टाइटल्स वाइज दिखा देगा, ये देख रहे हैं, ये ऊपर पहली फाइल, ये दूसरे नंबर पे ओपन की थी फाइल, ये तीसरे नंबर पे फर्नीचर, इनको आप दाएं बाएं करके अपने अरेंज कर लो स्क्रीन पे, बोलते हैं अरेंज करना, एक को इधर लगा देता हूं, एक को इधर लगा देता हूं। क्या आपको दोनों फाइलों के कंटेंट क्या दिख रहे हैं, एक इधर दिख रहा है साइड पे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं ऐसे, इसको दाएं बाएं करके आप एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि इलस्ट्रेटर में थी, यहां पे ऐसी ऑप्शन है क्या, यस है, ये देखो नीचे, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, टाइल हॉरिजॉन्टल, टाइल वर्टिकल और डॉकर विंडो, डॉक विंडो, डॉक विंडो करो, जिस विंडो पे क्लिक करोगे इसको डॉक कर दो, डॉक का मतलब ये लो। मुझे ये बताओ क्या आपको इस वक्त तीनों फाइलें नजर आ रही हैं बराबर बराबर स्क्रीन के ऊपर, खुद ही अरेंज हो गई, डॉक कर दिया उसने, खुद से प्लेस कर दिया एक एक करके, पहले की तरह नहीं है, पहले आपको एक फाइल को देखने के लिए क्लिक करना पड़ता था, फिर दूसरी नजर नहीं आती थी, दूसरे पे क्लिक करते थे तो उसके फाइल के पेज, अब आपको तीनों फाइलें इकट्ठी नजर आ रही हैं साइड बाय साइड, ऐसे साइड बाय साइड। अच्छा ये आप विंडो मेन्यू के थ्रू करते हो, और विंडो मेन्यू के थ्रू मजे की बात है, आप इस वक्त वर्टिकल व्यू देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वर्टिकल, ये लो ये वर्टिकल व्यू, ये हॉरिजॉन्टल व्यू, ये हॉरिजॉन्टल व्यू आ गया, ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल व्यू में आ गया, देख रहे हो, साइड बाय साइड वर्टिकली देखनी है, साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली देखनी है, ये देखो अब ये ऊपर, ये दूसरी नीचे, तीसरी उसके नीचे, तीन फाइलें आ रही हैं नजर। अब आपने व्यू उसको खुद से करना है सेट या इसको ऑर्डर करना है, आपको यार मुझे समझ नहीं आती इसका व्यू सेट करना, तो तुम ही कर दो, ये लो ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल, अब कैसे देखना पसंद करोगे, बाल कर आपको एक ही वक्त में दो तीन फाइलों को इकट्ठा देखना या काम करना पड़ सकता है, जिस पे क्लिक करोगे उसको सेट कर लो, इधर क्लिक करोगे इस पे काम हो जाएगा, इधर क्लिक करोगे इस पे काम हो जाएगा, एक ही वक्त में दो फाइलों में, तीन फाइलों में आप वर्क कर सकते हो अगर करना चाहो, हो सकता है आपके पास दो डिफरेंट प्रोजेक्ट आ गए, एक में आपने किसी का बिजनेस कार्ड बनाना है, आप जब थक जाते हो काम करते करते, लोड बहुत ज्यादा है, दूसरे क्लाइंट को भी डिलीवर करना है, उसको भी ओपन रखा है, दूसरे में भी ओपन किया हुआ है, दोनों प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कर सकते हो, थोड़ा थक जाते हो यार अभी समय नहीं है, छोड़ दो अब इधर कर लो, कर रहे हो काम, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तीन प्रोजेक्ट पे काम करो, तीनों को ओपन कर लो, या हो सकता है एक कार्ड आपने डिजाइन किया हुआ है, जो आपने पिछले महीने किसी का डिजाइन किया था, वो उसको फाइल को ओपन करके इधर रख लिया, दूसरी फाइल जो उसमें आपने अभी काम करना है उसको साथ में ऐसे साइड बाय साइड रख के काम शुरू कर दिया, हो सकता है डिजाइन देखना ही पड़ना है आपने, उसको देख देख के बनाना है, तो ये भी एक अच्छी चीज है, तो ये आपको विंडो मेन्यू में ऐसी अरेंजमेंट आपको दे देता है, और अगर आप चाह रहे हो इसको वैसे ही लाया जाए जैसे था, तो ऑप्शन के नाम पता क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, कंबाइन, ये उसी तरह वापस कर दिया इसने इसका सेटिंग्स जिसका थी, ये देखो अब एक वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट सामने आएगा, जिसको भी आपने जिस पे भी वर्क करना है, कॉरल की फाइल, तो टाइल हॉरिजॉन्टल ये करता है, विंडो में टाइल वर्टिकल ये करता है, और अगर आपको सिर्फ टाइटल्स देखने हैं तो कैस्केड कर लो, टाइटल नजर आएंगे, कोई 10 15 20 फाइलें ओपन की हुई आपने, टाइटल नजर आएंगे उसके,
ये ऊपर नीचे, ये सबसे पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, हाँ इसमें जिस पे क्लिक करोगे वो फ्रंट पे आ जाएगा, मैक्सिमाइज करोगे मैक्सिमाइज हो जाएगा। करूं ये देखो, ये इसके पीछे पड़ी हुई ना पब्लिक स्कूल के पीछे, ये लो फर्नीचर वाली फाइल पूरी स्क्रीन पे आ गई फुल फ्लैज। जब तक आप इसको क्या नहीं करते, रिस्टोर या क्रॉस नहीं करते, रिस्टोर, ये देखो ये कैस्केड बहुत कम कम करते हैं, जरूरत नहीं पड़ती हमें, या तो वर्टिकल टाइल की जरूरत पड़ती है या हॉरिजॉन्टल टाइल की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरह आप कर सकते हो। डॉक, इसका व्यू डॉक व्यू करना है, ताकि डॉकर में डॉक करना है, व्यू कौन सा करना है, डॉक करना है, डॉक पे आपने क्लिक करना है, दूसरे पे को भी डॉक कर दो, तीसरे को भी डॉक कर दो, जब ये डॉक हो जाए तो आप इसका व्यू को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में भी देख सकते हो। कैस्केड व्यू देखना है या डॉक व्यू देखना है, ये डॉक व्यू है जिसमें साइड बाय साइड हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप करके देख सकते हो, और अगर आप इसको वापस उसी सिचुएशन में लेके जाना चाह रहे हो तो कंबाइन पे क्लिक कर देना। देखो बच्चों, काम एक ही हो रहा है कि आपकी जो ओपन फाइलें हैं उनको कैसे देखना चाह रहे हो, व्यू कैसे करना है उसका, साइड बाय साइड करना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कैस्केड, डॉक और डॉक में, या वापस करना है कंबाइन, जिसमें एक वक्त में एक ही फाइल का व्यू हो रहा है, ओपन चाहे तीन है लेकिन व्यू एक वक्त में एक ही का हो रहा है। क्या मेन्यू, विंडो मेन्यू में इन चारों ऑप्शन की समझ आई है, पांचों की? अगर ये समझ आ गई है तो अगर मैं कहूं आपको कि इस वक्त कितनी फाइलें ओपन है, आपको सर तीन है, क्या तीनों को बंद कर दूं? ये ऑप्शन का नाम देख रहे हो, विंडो, असल में ये विंडो है तीन, एक विंडो का नाम पंजाब पब्लिक स्कूल, फाइल असल में वो एक फर्नीचर, एक अनटाइटल, क्या तीनों को बंद कर दूं? क्या लिखा हुआ है, क्लोज ऑल? और अगर आप सिर्फ एक को बंद करना चाह रहे हो, जो करंट वाली है जो सामने है, इसको बंद कर दूं? अगर किसी एक को करना है तो क्लिक कर दो और विंडो मेन्यू में जाके इसको मेहरबानी करो क्लोज कर दो। क्या लिखा हुआ है, क्लोज विंडो। क्या इसको सेव किया है, नो। क्या इसके ऊपर कुछ बनाया है, यस। आपसे पूछेगा, अगर कुछ नहीं बनाया तो बगैर पूछे ही बंद कर देगा, लेकिन अगर कुछ बना दिया है, जैसे एक बॉक्स बना के कलर फिल कर दिया, कुछ बना है ना, तो आपको क्लोज करते वक्त तो वार्निंग देगा, क्या सेव नहीं करना, यस करोगे तो फिर फाइल का नाम देना पड़ेगा, लोकेशन बतानी पड़ेगी, सेव कर देगा फिर बंद करेगा। लेकिन अगर आप समझते तो यार मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं, अभी सेव करके क्या करना है, कोई बात नहीं, नहीं करना सेव, नो, यस करोगे तो फिर आपसे पूछेगा क्या नाम देना है और कहाँ करना है, लोकेशन, नहीं करते ये लोग। क्या फाइल बंद हो गई, क्लोज हो गई, और अगर सबको क्लोज करना है, जितनी भी ओपन है, क्लोज ऑल। अच्छा बात का पता क्या होता है, आपसे क्वेश्चन है, देखते हैं कौन समझदार ज्यादा है। ये पेज नजर आ रहा है, चलो फर्नीचर वाली को ओपन करते हैं। दो अलग अलग डिजाइन्स बने हुए, एक ये बना हुआ है पेज वन पे, पेज टू पे ये बना हुआ है। क्या ये पॉसिबल है कि मैं दोनों पेजेस को, एक ही फाइल के दो पेज हैं, दोनों को देख सकता हूं, ऐसे पॉसिबल है? इस तरह समझ लो, जैसे हमजद साहब ने कहा है कि बिजनेस कार्ड फ्रंट बनाया, एक पे बिजनेस कार्ड का बैक बनाया, अलग अलग पेज पे बनाया, पेज वन पे फ्रंट, पेज टू पे बैक, क्या मैं दोनों इकट्ठे देख सकता हूँ? नहीं, वो तो एक ही पेज पे बनेगा ना, ट्राइफोर टू फोर, मैं कह रहा हूँ दो अलग अलग पेज है। कैस्केड पे कैस्केड में जाके क्या करूंगा, आपका तुक्का नहीं चलता, कैस्केड नहीं, क्या करूं? बड़ा इंटरेस्टिंग मोड आ गया जिंदगी का, कि मैंने एक फाइल है जिसमें बिजनेस कार्ड मिस्टर कासिम का, जिसमें मैंने एक साइड पे फ्रंट बनाया, एक साइड पे बैक बनाया, दोनों को देखना है। देखो हाँ, जरूरत पड़ सकती है आपको, वो आके साथ में सीट पे बैठ जाता है कि सर जरा फ्रंट एंड बैक दोनों दिखाएं आपको, सर या फ्रंट दिखाऊंगा या बैक दिखाऊंगा कार्ड, दोनों नहीं दिखा सकता। अब ये क्या बात हुई भाई, वो कहे कैसा ग्राफिक डिजाइनर है कि एक ही वक्त में मुझे उस एक ही फाइल पड़ी हुई है, आपको सर फाइल एक है, अगर दो होती तो दोनों को मैं ओपन करता, एक को इधर कर देता, एक इधर कर देता, दिखा देता, दो फाइलें अगर होती, अब फाइल एक ही है,
और उस फाइल में पेज वन पे क्या पड़ा हुआ है, ये डिजाइन। पेज टू पे क्या पड़ा हुआ है, ये इसका डिजाइन। एक मैंने उस पोस्ट, ये पोस्ट मैंने सपोज बनाई, इस पोस्ट का एक फ्रंट है, एक उस पोस्ट का बैक है, दोनों को मैंने क्लाइंट को दिखाना है। कैसे दिखाऊं? हाँ जी, कोई आप में से क्या करूं? देखो, इस विंडो को जो करंटली ओपन है, जिसका नाम क्या है, फर्नीचर एक्सपो, इसको एक काम करो, इसको एक नई विंडो में ओपन कर दो। क्या लिखा हुआ है विंडो में? न्यू विंडो। ये लो, जब हो गई है ओपन, ये देखो, ये इसका फ्रंट आ गया, ये इसका बैक आ गया, और इन दोनों को क्या कर दो स्टूडेंट्स, टाइल कर दो। अब तो हो जाएगा कि नहीं? दोनों, सॉरी, फर्नीचर वाली बंद कर दी। चलो फर्नीचर वाली, ये देखो इसमें कितनी फाइलें ओपन है बताओ। वन, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। मजबूरी क्या है कि दोनों में से एक पेज में देख सकता हूं, क्योंकि कॉरल में अभी तक जो सर ने सिखाया था तो यही सिखाया था। अब उसका सॉल्यूशन क्या दिया मैंने, मैंने कहा इस विंडो को दोबारा से एक नई विंडो में ओपन कर दो। किसको? फर्नीचर विंडो को। ये लो, ओपन हो गई, दो दफा हो गई। एक में पहला पेज देख लो, दूसरे पे क्लिक करके दूसरा पेज सामने ले आओ। दिख तो रहा है अलग अलग, अभी भी अलग अलग है। अब इसको आप अरेंज कर दो। ये हॉरिजॉन्टल कर, ये देखो, इधर वाले में आपने पेज वन ओपन कर दो। क्या ख्याल है? ओए होए, ये तो नहीं करने दे रहे, इससे भी मसला हल नहीं होगा। इसको फिर एक ऐसी हमने स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। अब मैं असल में इधर जब जाता हूं उधर दोनों सेम सेम आने, मसला अभी भी हल नहीं हुआ। मैं समझ रहा था हो जाएगा, लेकिन इसका मसला पता क्या है, दोनों विंडोज एक साथ रिस्पॉन्ड कर रही है, हालांकि बराबर में पड़ी हुई है। एक पे अगर वन दिखा रहे थे, दूसरे पे दो दिखा रहता। अच्छा, इसमें देखते हैं कुछ ऐसा सीन है कि ये हो जाए, इसका भी काम सही नहीं है जनाब, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है ऐसी। इसका फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका एक काम हो सकता है, दो फाइलें बना लो, एक इसको दूसरे नाम से सेव कर लो, फिर तो कर ही लोगे ना, फिर तो मसले खत्म हो गए। फाइल को सेव एज करके, सेव एज करके नहीं, वो तो बन सकता है। ये अब दो फाइलें अलग अलग हो गई, अब आपको अलाउ कर रहे हैं इसको, मैं बंद कर देता हूं, दोबारा ओपन करता हूं दूसरी फाइल को। ये कौन सी फाइल है? वन वाली। अब मैं नॉर्मल वाली फाइल को ओपन करता हूं। मुसीबत में फंस गए हम लोग हैं। ये अब देखो ना, अब ये दोनों फाइलें अलग अलग हैं। अब आप दो फाइलें डिफरेंट हैं, अब तो उसको कोई इतराज नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? अब इन दोनों फाइलों को हम टाइल कर लेते हैं। अब तो हो ही गया, लेकिन मैं ये समझता था कि न्यू विंडो ये कर देगा, न्यू विंडो ने ये काम नहीं किया। अब आपको भी इसकी जो है ये देने का फायदा क्या है? आपको सर फिर देने का फायदा क्या है उसको, ये मैं चले आपको करके दिखाता हूँ। अब देने का फायदा क्या है? मैं सेव फाइल ओपन करता हूँ। कौन सी फाइल इस वक्त ओपन है? मैं इसी को दोबारा ओपन करता हूँ न्यू विंडो में। न्यू विंडो कर लेता हूँ। न्यू विंडो करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को टाइल करवा लेता हूँ। ये फायदा है इसमें कि अगर आप करंट पेज का कुछ पार्ट ऊपर पड़ा हुआ है, कुछ नीचे पड़ा हुआ है, अलग से कोई चीज पड़ी हुई है, हालांकि ये फाइल एक ही है, पेज भी एक ही है। मैं यहां पर कोई बना देता हूं, बना उधर भी आई है, दिखाऊं? बाल का पेज का दो पार्ट्स को आपने देखना होता है। ये तो फायदा हो गया ना न्यू विंडो का कि एक ही वक्त में स्क्रीन के दो डिफरेंट हिस्सों को देख रहे हो। फाइल भी एक है, पेज भी सेम है, और जो चीज इधर बन रही है उधर भी बन रही है, क्योंकि फाइल एक है, एक ही फाइल में तो काम कर रहे हैं हम लोग।
ये फायदा हो सकता है न्यू विंडो का, इससे ज्यादा कोई नहीं। पेज को डिफरेंट नहीं कर सकते सेम फाइल में, हाँ सेव एज करके डिफरेंट फाइल होगी, वो एक फाइल ही डिफरेंट हो जाएगी, तो उसको आप जैसे मर्जी अरेंज कर लो। तो न्यू विंडो का क्या टास्क है कि आप उस करंट डॉक्यूमेंट के अंदर उस पेज के दो डिफरेंट पार्ट्स का व्यू कर सकते हो, एक दाएं में पड़ा हुआ, एक बाएं में पड़ा हुआ, आप दोनों को एक ही वक्त में देखना है, या एक ऊपर पड़ा हुआ है कॉन्टेंट, एक नीचे पड़ा हुआ, दोनों को एक ही वक्त में देखना है। क्या ये एक ही डॉक्यूमेंट के दो हिस्से नहीं है? ये देखो इसमें जो दिख रहा है आपको जनाब वो नीचे है, ये देखो ये दोनों एक ही फाइलें हैं, ये देखो दोनों एक ही फाइलें हैं, चाहे इधर काम कर लो चाहे उधर काम कर लो, सेम नहीं हो रहा वो देखो। न्यू विंडो से सिर्फ ये एक फायदा हुआ है, वो क्या कि इधर आपने फोकस करना है डिजाइन पे, इधर आपने फोकस करना है मिसाल के तौर पे डिजाइन पे, पेज पे, ये पेज सामने कर दिया, इधर आपने इसी फाइल के किसी दूसरे हिस्से जगह पे जाके काम वाम करके कुछ बनाना है, बना लो सुकून से बनाओ, जब बन जाएगा वो उसी में बना है मर्गी वाला, लेकिन उसके डिफरेंट पार्ट पे जाके। अगर आप यही चीज उधर भी देखना चाहो देखो है, चेक कर लो, कोई फर्क नहीं है, दोनों में एक जैसे काम है, एक में हो सकता है बिग व्यू करना हो, एक में आपने छोटा साइज देखना हो, ये भी हो सकता है, एक में आपने सारा ही इस स्क्रीन को देखना हो, एक में सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना हो, ये भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे इधर आपने स्क्रीन के सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना था, ये डिजाइन आ गया, और इस पार्ट में आपने सारे ऑब्जेक्ट को देखना है, तो आप इधर वाले एरिया में आके जूम में जाके, पता है इसमें ऑप्शन का नाम क्या है, जब सब कुछ देखना हो क्या लिखा हुआ है, जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट, F4 प्रेस करने से भी हो जाएगा। ये तो दोनों में क्या फर्क है, एक में पूरी फाइल नजर आ रही है चाहे कुछ भी कहीं पे भी बनाओ, एक में सिर्फ पेज नजर आ रहा है जिस जो प्रिंट निकालना है आपने, ये फायदा हो सकता है। और बाद वो कहते हैं फजूल सी चीजें, सर इसकी क्या जरूरत है, कोई खास तो आपने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि समझ नहीं आई कि है क्या। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक ही फाइल के एक ही आप पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट उस पेज का व्यू कर सकते, समझ आ रही है? लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इधर आपने नुक्ता भी लगाया उधर भी लगेगा, क्यों, बेसिकली फाइल और पेज एक ही है। अब ये देखो ये पेज टू पे चला जाता हूं, ये पेज थ्री पे चला जाता हूं, ये देख रहे हो एक में आपको फुल डिजाइन भी हो रहा है, एक में सिर्फ एक सेगमेंट को देख रहे हो, ये है, ये देखो चेक करो, एक में आपको डॉक्यूमेंट का या पेज का फुल व्यू नजर आ रहा है, एक में जिसने हिस्से को देखना चाह रहे हो सिर्फ, ये देखो ये सारा कुछ ये बना हुआ है इस पेज पे, लेकिन जब आप लेफ्ट साइड वाले पेज पे जाते हो तो सिर्फ उतना ही देखना चाह रहे हो जितना आपको कहा गया, ये पूरी ये डिजाइन का एक हिस्सा है, जबकि पूरा पेज के ऊपर असल में एक्चुअली ये बना हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट में इस पेज पे जिसका नंबर पेज 5 है ये सारा कुछ ये बना हुआ है। हाँ वहां पर क्या दिख रहा है, जितना आप देखना चाह रहे हो, उधर भी अगर सेम सेम देखना है मसला कोई नहीं, उधर सिर्फ क्लिक करना है और इसको जाके कह देना है लो भाई। अब मुझे बताओ क्या फर्क है दोनों में, सिर्फ उसमें थोड़ा साइज का डिफरेंस नजर आ रहा है, बाकी तो सेम है। अब इधर मैं कुछ काम करूंगा, कुछ भी करूंगा, लाइक आई वॉन्ट टू मेक ए सर्कल, तो ये तो उसमें भी बन रहा है भाई, क्यों बन रहा है, सेम पेज सेम फाइल। अब आप मुझे बताओ क्या आपको इस ऑप्शन की बात समझ आई है, ये न्यू विंडो क्यों करते हैं कि करंट डॉक्यूमेंट के करंट पेज के दो डिफरेंट व्यूज देखना चाह रहे हो, एक में बिग व्यू देखना चाह रहे हो, एक में स्मॉल व्यू देखना चाह रहे हो, एक खास पार्ट को देखना चाह रहे हो। मैं मतलब की बात देखो, मैं इस हिस्से में सिर्फ इस सेगमेंट को देखना चाह रहा हूं, इसमें तो पूरा आ गया ना, इधर पे क्लिक करता हूं, इधर मैं सिर्फ डिजाइन पे फोकस करना चाह रहा हूं, ये देखो इतने हिस्से पे, ये उसी पेज का उस पार्ट को मैं दिखा रहा हूं, इधर वो जो सेगमेंट वो छोटा सा, इधर मैं बिग वर्जन देख रहा हूं उसका, उधर मैं स्मॉल साइज में देख रहा हूं, ये एक व्यू हो सकता है इस तरह का अगर आप देखना चाहोगे। अच्छा जी अब आ जाओ बाकी हिस्सों पे, मैंने आपको डॉकर के बारे में बताया था, डॉकर में मैंने ये भी कहा था स्टूडेंट्स तमाम लोग प्रॉपर्टीज को, और दूसरा कौन सा डॉकर ऑब्जेक्ट में का, ये ऑन रखा करो। अच्छा बाल का स्टूडेंट कहते हैं इसका कोई आसान तरीका बता दें,
विंडो मेन्यू में जाओ और ये बाकी डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कमेंट्स वाला क्या होता है। पहले तो अभी अभी तो मैंने इनका भी नहीं बताया आपको कि प्रॉपर्टीज में कितनी डिटेल है, मैंने नहीं बताई आपको। ऑब्जेक्ट में कितनी डिटेल है मैंने अभी पूरी नहीं दिखाई आपको। कमेंट्स भी देखेंगे, ऑब्जेक्ट डेटा भी देखेंगे, ये सारे डॉक्टर हमने करने हैं। अच्छा ठीक है, टूल बार्स में मैं आपको ये बताया कि ये 5 टूल बार्स को ऑन रखना है, क्लियर। बाकी टूल बार्स आपको जब जरूरत पड़ेगी आपने ऑन करना है, लेकिन मैं ये समझता हूं इनकी इन टूल बार को ऑन करने की जरूरत ही नहीं होती। व्हाई? बिकॉज अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने जूम टूल को डिस्कस करना शुरू किया, ये जूम टूल है बच्चों, ये क्या नाम है इसका, जूम। जब आप जूम पे क्लिक करते हो प्रॉपर्टीज ऊपर आ रही है ये वाली नजर, ये प्रॉपर्टीज है जूम की। जब ये नजर आ रही है टूल पे क्लिक करने पे, क्या जरूरत है इसको दोबारा से ओपन करने की टूल बार में? ये भी जूम वही है, ये देखो मुझे बताओ ये क्या इस टूल बार की जरूरत बनती है जब ये ऊपर मौजूद है? ये सेम है, चाहे आप यहां से कर लो चाहे ये आप यहां इन बटन्स को यूज कर लो, सेम है। क्या आप एक चीज को दो दफा देखना चाहोगे? क्या जरूरत पड़ी है उसकी? जब जूम टूल पे क्लिक करोगे हाँ एक जरूरत हो सकती है, जब मैं किसी और टूल पे क्लिक करूंगा और जूम की आपको जरूरत है, टूल आपने कोई और लिया हुआ है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज आपकी उसकी जूम की नजर नहीं आएंगी। लेकिन जब जूम पे क्लिक कर दोगे तो फिर कोई जरूरत नहीं है इसकी। हाँ इसकी जरूरत तब तक है जब आप किसी और टूल के साथ काम कर रहे हो, जैसे सर्कल, आपने सर्कल बनाना था, आपने सर्कल टूल को क्लिक किया, ये सर्कल बनाया और आपने इस सर्कल को फिट करना है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, फिट करना है इस सर्कल को स्क्रीन के ऊपर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ये लो जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हुआ था उसको जूम कर दिया, कोई और अगर सिलेक्ट कर रहे हो उसको कर देगा। मिसाल के तौर पे ये देखो इधर मैंने इसको क्लिक कर दिया, ये ऑप्शन देखो क्या कहती है, जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उस लेवल तक इस स्क्रीन के ऊपर उसको जूम करके दिखा दे, क्योंकि आपको दिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप कह रही है इसको जरा थोड़ा चेक करना है कि किस तरह बना है, डिटेल क्या है इसकी। इसका मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया हो और अगर आप उस लेवल पे जूम करना चाहो तो इस बटन पे क्लिक कर दो। क्या लिखा हुआ है, जूम टू। अच्छा ये साथ वाली विंडो बंद कर दूं, क्या जरूरत है इसकी? हमें वो मैं जो बताना था मैंने बता दिया, एक ही विंडो में काम करते हैं। ये देखो अब मैं आपको जूम टूल के, चूंकि मैंने जूम टूल स्टार्ट कर दिया है, मैं चाह रहा था जूम टूल से रेलेवेंट कोई आपको डाउट ना रहे, मैं आपको जूम टूल, स्टूडेंट्स मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स इसको कनेक्ट हैं, मिस आमना, मिस्टर अरूप, मिस्टर हैदर, मैमूना, मोहम्मद अहमद, निदा एंड सोफिया, जूम टूल मैं आपको सिखाने लगा हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए अभी पूछ लो, ताकि जूम टूल को आज के डेट के बाद कभी भी आपको मसला ना हो कि ये टूल्स क्यों दिए गए। मैं आपको पूरा का पूरा जूम टूल अभी के अभी खत्म करवा रहा हूं 5 मिनट में। ये हमने सारे टूल सीखने हैं, ये आसान सा टूल नजर आया मुझे, मैंने कहा पहले ये सिखा दूं आपको करता क्या है। और ये हर सॉफ्टवेयर में होता है, जूम इलस्ट्रेटर में भी मिलेगा, कॉरल में भी है और फोटोशॉप में भी होता है। तो आप इस टूल को अगर आपने यूज करना हो, जेड इसकी शॉर्टकट की होती है, और इसका मेन मकसद क्या होता है, चेंज द मैग्निफिकेशन लेवल ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो, मैग्निफिकेशन लेवल सेट करता है। अच्छा मतलब क्या, ये देखो आपको पता है कि प्रिंट क्या होना है, जो पेज पे होगा, पेज किधर है समझ ही नहीं आ रही इसमें, पेज का मुझे कोई सेंस नहीं बन रहा कि पेज किधर है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें पेज किधर है, पेज देखना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, जूम टू पेज हाइट, ये क्या लिखा हुआ है, जूम टू पेज विड्थ, ये क्या लिखा हुआ है, जूम टू पेज शिफ्ट F4, जूम टू पेज पूरा पेज दिखाई देगा जो प्रिंट में आना है, क्लिक करूं। अब आपको समझ नहीं आ रही ये अब इसमें प्रिंट के साथ होना है, क्योंकि वो आपको साइज एग्जैक्टली क्लियर नजर नहीं आ रहा। ये देखो आपने जस्ट जूम टूल पे क्लिक करना है, ये टूल है, चाहे आप ये काम यहां पे क्लिक करके कर लो, चाहे वो यहां पे क्लिक करके कर लो, सेम है, बटन की शेप ही सेम है, काम भी सेम है, तो क्या जरूरत है इसकी, इसको बंद ना कर दूं? जब एक चीज ऊपर आप ऑपरेट करने के लिए है तो डबल डबल क्यों देखना उसको?
इसलिए कहा जाता है विंडो मेन्यू में, टूल बार्स में कोई जरूरत नहीं जूम को ऑन करने की। क्यों? कि जब जूम टूल पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन ऊपर वही आनी है जो ये इससे आना है। डबल डबल क्यों देखनी है आपने, इसको तो करो क्लिक ऑफ, ये तो हो ही गायब यहां से। अब टोटल कंसंट्रेट करो किस टूल पे, जूम टूल पे। और जूम टूल पे हाँ, लेकिन इसमें शर्त यह है कि जूम टूल पे क्लिक करना फिर ये ऑप्शन आएंगी, प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं। हाँ, किसी और टूल पे क्लिक करोगे ऑप्शन गायब, देख लो प्रॉपर्टी गायब। जब तक जूम टूल पे क्लिक नहीं करोगे ये प्रॉपर्टीज नहीं आएंगी। अब इसका फायदा क्या होगा, हम ग्राफिक डिजाइनर है, मुझे ये जानना है कि मेरा पेज किधर है, गुम गया मैं, गुम पेज गुम गया, समझ ही नहीं आ रही, ये लो ये पेज है, ये पेज है, ये आपको बॉर्डर नजर आ रही है, ये पेज के बॉर्डर, ये ग्रे शेड ये पेज है, ठीक है, ये ऊपर तक है, वो देखो वो बॉर्डर नजर आ रहा है, ये बॉर्डर नजर आ रहा है, ये बॉर्डर नजर आ रहा है, ये पेज का बॉर्डर है, ये प्रिंटिंग में नहीं आना, ना लेफ्ट में आना ना राइट में आना, जो इस बॉर्डर में आ गया ये प्रिंट में आना है। और ये किसने मुझे सहूलत दी है, जूम टूल ने, मुझे तो पता ही नहीं था कि पेज एक्चुअली है किधर, क्योंकि मैंने जूम आउट कर दिया इतना ऐसे, अब मुझे समझ नहीं आ रही पेज का कंटेंट किधर है, ये है ये है ये है किधर है, गुम गया मैं, ठीक है। तो आप यहां पे अगर आप क्लिक कर दो तो ये आपको एग्जैक्टली वो पेज दिखाएगा जो एक्सपोर्ट करने पे पीडीएफ बनती है, जेपीजी बनती है, एग्जैक्टली वो पेज दिखाएगा, और पेज में भी विड्थ हाइट वाइज दिखाएगा पूरा कवर करके, शिफ्ट F4 भी प्रेस कर सकते हो। और जब आप पेज, और ये पेज अब जब आप देख रहे हो, बॉर्डर वाजे कर रहा है कि पेज क्या है, कहाँ है, क्या बॉर्डर आपको दिख रहा है पेज का, एग्जैक्टली ये पेज है, ये पूरा, हाँ ये पेज से बाहर की कोई चीज है, इसको मैं साइड पे कर देता हूँ, बल्कि डिलीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। कुछ ऑब्जेक्ट बनाए हुए थे मैंने साइड पे आपको कर दिए। क्या आप मुझे बताओ स्टूडेंट्स, क्या आपको पेज एग्जैक्टली नजर आ रहा है, पेज किधर है, कौन सा पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये बॉर्डर है इसके। अच्छा बालकर ना स्टूडेंट कहते हैं सर ये बालकर बॉर्डर ही नहीं दिख रहे होते, तो हम किस तरह अंदाजा करें कि पेज कौन सा है, अगर आपको बॉर्डर ना दिखें तो वजह क्या होती है बताने का, कहूँ लेआउट में जाओ, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, स्टूडेंट्स यहां से भी जा सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑप्शन याद है कल मैंने आपको बताई थी, परसों, ये यहां से भी जा सकते हो डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये है डॉक्यूमेंट ऑप्शन, ये वाला बटन, और इसमें आपको मैं जो चीज बताने लगा हूं, पेज साइज सेट करना हो, ये यहां से कर सकते हैं। ये देखो ये चेकबॉक्स छोटा सा नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, ऑफ कर दिया, ये लो ओके। मुझे बताओ कहां है पेज, कहां गए बॉर्डर, कुछ समझ आ रही है, बॉर्डर ही गायब हो गए। बालकन स्टूडेंट एक छोटी सी गलती कर लेते हैं और वो बॉर्डर ही नजर नहीं आते। चलो मैं एक प्लेन पेज ओपन करता हूं खाली वाला, ताकि आपको एग्जैक्टली मैं दिखा सकूं, नया, चलो नया पेज बना लेता हूं, न्यू पेज बना लेता हूं, इस पे तो कुछ बना हुआ है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं एक नया पेज बना लेता हूं। ये पूरे पेज के ऊपर ये प्लेन नजर आ रहा है हर जगह से, खुला मैदान, क्या आपको कोई ऐसा पेज का बॉर्डर कोई नजर आ रहा है, पेज बॉर्डर जब तक नहीं नजर आएगा आपको कैसे पता चलेगा मैंने कौन सी चीज पेज की कहां पे बनानी है, लोगो कहां बनाना है, मैंने नीचे कॉन्ट्रैक्ट देने कहां देने हैं, जब तक पेज के बॉर्डर नजर नहीं आएंगे, बॉर्डर देख अगर नजर ना आए तो स्टूडेंट्स क्या करना है आपने, क्या करना है आपने, सेटिंग में चले जाओ, यहां से चाहे डॉक्यूमेंट की, या लेआउट में जाके ये सेटिंग में चले जाओ डॉक्यूमेंट ऑप्शन, और किसको ऑन करना है, जब तक ये ऑन नहीं होगा आपको पता ही नहीं लगना कि मैंने बनाना किधर है। ये इस तरह जैसे आप खेलने जाते हैं ग्राउंड में, बाउंड्री अगर नजर आएगी तो उसके अंदर खेलना है ना, प्ले करना है, ये बाउंड्री दिखाता है उसके पेज की। तो ये बॉर्डर को हर सूरत में ये ऑन ही होता है, ऑन ही रहना चाहिए, और इससे ये होता है, ये असल में पेज था, ये वो पेज है, बॉर्डर क्लियर नजर आ रहे हैं, बॉर्डर बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। और अगर आपने इसके राउंड फ्रेम बनाना हो, फिजिकली फ्रेम बनाना हो, कलर वलर देने हो, तो ये ऑप्शन होती है डबल क्लिक करके,
ये मैंने आपको बहुत दिन पहले सिखा दिया था, कलर वलर देने हो, इसका बेस कलर बनाना हो जो भी, और अगर आप इसको डिलीट कर दो तो फिर आपको सिर्फ बॉर्डर ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो बॉर्डर ऑन ऑफ करने का जो राइट वे है, बॉर्डर ऑन ऑफ करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, सेटिंग में चले जाओ, सेटिंग में चले जाओ, कोरल की सेटिंग में चले जाओ, और इसकी पहली ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सेटिंग, और यहां पे ये है ऑन ऑफ करने का तरीका। कल मैंने आपको साइज सेट करने का तरीका बताया था। दूसरी ऑप्शन भी देख लो स्टूडेंट, ये मैंने आपको कहा था पिक टूल लो और डबल क्लिक कर दो, फिर भी ये डायरेक्ट सबसे आसान तरीका ये होता है, लेकिन ये भी तब होगा ना जब बॉर्डर नजर आ रहे होंगे। बॉर्डर को आपने कभी भी स्टूडेंट्स ऑफ नहीं करना, ऑफ कर दिया तो समझ नहीं आने कि कहां स्टार्ट करूं, कहां खत्म करूं, पेज किधर है। जो आपने साइज नहीं दिया था 3.5x2 का या 8.5x11 का, वो जब तक बॉर्डर नजर नहीं आएगा आपको कैसे पता चले मैंने कंटेंट कहां कौन सी चीज रखनी है। तो इस बॉर्डर को आपने, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, एड पेज फ्रेम, करूं क्लिक, ये लो। अब हुआ क्या, चेक करो, ये ऑटोमेटिकली इसने बॉर्डर जो कि डबल क्लिक करने से लगाने थे उसने खुद बना दिया बॉर्डर। ये देखो ये बॉर्डर के बगैर है। बॉर्डर लगाने के दो तरीके होते हैं, सॉरी, बॉर्डर के ऊपर फ्रेम बनाने के दो तरीके होते हैं। एक, रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक कर दो, आ गया ना फ्रेम। दूसरा, आप उसी ऑप्शन में जाओ डॉक्यूमेंट सेटिंग की, और वहां पे जाके आपने उसको कहना है बाकायदा क्या, ऐड पेज फ्रेम, ये डबल फ्रेम के लिए होता है ना, वैसे सिंगल पे लिया है सिर्फ क्या चीज, ये फ्रेम के लिए होता है फ्रेम, वो फ्रेम। फ्रेम बस बनाता है खाली, मतलब एक रेक्टेंगल बना देता है जो कि आप, मतलब की बात सुनो, जो कि आप खुद भी बना सकते हो, ऐसे फ्रेम बनाना, ये लो बन गया, ये आपने बनाया है मैन्युअली। अगर आपने इससे बनवाना है फ्रेम रेक्टेंगल का तो डबल क्लिक कर दिया करो, या दूसरा तरीका क्या, डॉक्यूमेंट सेटिंग, डॉक्यूमेंट ऑप्शन, जो कि मैंने दो तीन तरीके बता दिए, क्या पिक टूल से डबल क्लिक करके चले जाओ, नंबर टू सेटिंग के थ्रू चले जाओ, नंबर थ्री लेआउट में जाके यहां चले जाओ। एक ही बात है, एक ही ऑप्शन सेट करने के तीन डिफरेंट वेज हैं, आप किस में आसानी समझ लो। मेरे ख्याल में सबसे आसान डबल क्लिक करके जाना। सर आपने कलर का भी बताया है कि सपोर्टेड कलर हो जाता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है, वो फाइंड वो ही करना। बताता हूं। अच्छा, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो एक बॉर्डर भी बने और उसके अंदर आप चाह रहे हो कि कलर वलर भी दिया जा सके, बिल्कुल दे सकते हैं। इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, जरा गौर कीजिएगा। मैं आपके सामने ना एक बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाता हूं, चेक कीजिएगा, फाइल न्यू, कितने पेजेस, जरा गौर करना। मैं यहां पे, मेरे पास किसी एकेडमी का, कॉलेज का कोई जॉब आई, कोई टास्क आया, उन्होंने कहा 10 पेज सर बनाने हैं और 10 पेजेस के ऊपर आप डिफरेंट जो है वो कंटेंट उसका रखना है, बैकग्राउंड सेम रखनी है, बैकग्राउंड में हमारे कंपनी का लोगो लगा देना और ऊपर जो टाइटल दें आपको और जो टेक्स्ट दें वो एक इमेज के साथ उसको रख देना। अभी बना के दिखाता हूं क्या चीज कॉमन है इसमें, लोगो, क्या लगाना है आपने, कंपनी का लोगो, हर पेज पे लगाना है कंपनी का लोगो। 5 मिनट में बना के दिखा दूंगा आपको, 10 पेज 5 मिनट में रेडी हो जाएंगे। किस तरह, लोगो आपको कहा गया बनाने को, आप बना दो। अगर लोगो आपके क्लाइंट ने आपको मेल कर दिया, भेज दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम लोगो बनाएंगे नहीं, हम एक फाइल को इंपोर्ट करेंगे, वो असल में फाइल क्या होगी, उस कंपनी का लोगो। ये देखो कैसे बनेगा, कितने पेज है जी, 10, क्या 10 पेज बन गए, खाली कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, खाली है। अब मैं देखो क्या करने लगा हूं, मैं यहां पे सेंटर में कंपनी का लोगो, यहां पे लोगो मैं पहले आपको दिखा दूं, ये देखो, ये समझो मेरे उस दोस्त ने लोगो भेज दिया, ये है वो लोगो। मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक छोटा सा डेमो दे रहा हूं, वो जो कंपनी के बंदे ने, मेरे दोस्त ने लोगो भेजा, वो
वो मिसाल के तौर पे ये लोग है, या चले ये ले लेते हैं। वो स्पोर्ट्समैन है, वो कहता है यार ये लोगो लगा देना ऊपर जो है वो, डिफरेंट कंट्रीज के नाम लिख देना और एक लिस्ट बना देना प्लेयर्स की, और वो मुझे प्रिंट भेज दो उसका। मैं अब आपको 5 मिनट में ये काम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। कंपनी का टाइटल ऊपर दूंगा, साथ में ये लोगो लगा दूंगा, ठीक है। लोगो सेंटर में बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत से अंदाज में आपको टाइल की फॉर्म में नजर आएगा। ये लगा दूं बैट्समैन, ये देखो कैसे आपने कॉरल में जाना है। आपने ये काम करने के लिए लेआउट में जाना है, और लेआउट में जाके ये क्या है, पेज की बैकग्राउंड कर दूं सेट। फाइल किधर पड़ी हुई है? क्या आप कोई बैकग्राउंड में कलर देना चाह रहे हो सबका एक जैसा? ये लो सबका कलर एक जैसा होने लगा, चेक करो। ओके करता हूं, आप अपने पेजेस को देख लो, पेज 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके जिस मर्जी पेज पे क्लिक करो बैकग्राउंड सेम कलर का आ गया। कोई आपने बॉक्स नहीं बनाया, कोई आपने क्लिक नहीं किया किसी पेज पे, सारे पेजेस का बैकग्राउंड एक जैसा। ये हो गया ये पहला काम। क्या आपको कलर रखना था या वहां पे लोगो लगाना था? बैकग्राउंड में कलर रखना है या लोगो लगाना है? लोगो लगाना है। कलर रखने का तरीका तो बता दिया, सारे पेजेस का एक जैसा कलर। कोई मैंने बॉक्स नहीं बनाया, कोई उसके अंदर फिल नहीं किया। मैंने एक सेटिंग में 10 हैं या ये 1000 पेजेस हैं, ये 10 हैं या 10,000 पेजेस हैं, सब पे कलर सेम हो गया पहले से लेके आखिरी तक। जिस मर्जी बटन पे क्लिक करो सेम कलर नजर आएगा। अब आपने कलर नहीं देना था, आपने क्या बनाना है, लोगो कंपनी का। अब वो देखो कैसे आएगा। लेआउट में गए, पेज बैकग्राउंड, आसान सी ऑप्शन है। लेआउट में पेज बैकग्राउंड, कुछ नहीं रखना बैकग्राउंड में, नो, प्लेन हो जाएगा व्हाइट जिसना था। कोई कलर रखना है यहां से दे देना, जो कलर आपको पसंद है यहां से चाहे सेट कर लो, चाहे यहां से पैलेट में से सेट कर लो, जो आपको अच्छा लगता है कलर आप यहां से ले लेना। नंबर 1 ये हो गया, कलर तो मैंने नहीं रखना, मैंने क्या रखना है, एक इमेज रखना है। तीसरी ऑप्शन का नाम क्या है, बिट मैप, ब्राउज कर लो कहां पड़ा हुआ है वो। मेरे दोस्त ने मुझे मेल किया, क्लाइंट ने मेरे मेल करके मैंने यहां पे फोल्डर में उसको रख दिया। जो भी आप कहोगे इनमें से वो मैं लगा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या ये लगा दूं? ओके कर दूं, इंपोर्ट, ये लो। ये देखो इसका साइज जो अपना है वो यहां पे लग गया। ओके करूं, चेक करो जरा। अब आप बोलोगे सर किधर है लोगो? ये है लोगो, ये कॉर्नर पे, साइज उसका बहुत बड़ा है। उसने आपको कहा था कस्टम करना है या रियल साइज रखना है? ओरिजिनल, ओरिजिनल रखा है। ये लोगो है, ये वो करेक्टर का लोगो बिल्कुल साइड पे है, पेज के ऊपर आया जरूर है बैकग्राउंड में, लेकिन साइज फाइल का असल बहुत बड़ा था, इस वजह से नजर नहीं आ रहा लोगो, वो क्रिकेट वाला। अभी आपको दिखाता हूं, दोबारा जाओ। बालकान ना क्लाइंट भेज देता साइज बिग, पेज का साइज है छोटा, तो जितना आ सका उसने दिखा दिया, बाकी गायब। अब आप इसको साइज खुद भी कर सकते हो, देखो कैसे। लेआउट में जाओ, या तो उसको कहो कि यार आपने मुझे किस साइज का पेज है, ये 3.5 बाय 2 कार्ड है, ये समझ लो कार्ड का साइज था असल में 3.5 बाय 2। अब वो लोगो उसने भेज दिया बड़े बिग साइज का, साइज बताऊं कितना है, यहीं पे नजर आएगा आपको। ये देखो इसका एक्चुअल साइज कितना है, चेक करो, 10 इंच हाइट और 8.38 विड्थ, जबकि ये हम जिस साइज का एडजस्ट कर रहे हैं उसका साइज कितना है, 3.5 बाय 2। बिलबोर्ड बिलबोर्ड से भी कोई और कुछ है लग रही है, नहीं बिलबोर्ड तो नहीं होगा ये, 10 इंच कोई इतना बड़ा पेज नहीं होता, ये आम पेज ही होता है। उसने तकरीबन इस साइज का लोगो भेज दिया समझ लो, और हमने एक छोटा सा कार्ड बनाया हुआ है जिसके ऊपर लगाना है उसको। अब उसने साइज बड़ा भेज दिया, साइज को छोटा कर दो, किसके मुताबिक कर दो, 3.5 बाय 2 इंच के मुताबिक, क्या 3.5 बाय 2 कर दूं, पूरा 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 नजर आएगा लोगों।
विड्थ कितनी 3.5 और हाइट कितनी कर दूं, वैसे तो ऑटोमेटिक उसने कर दिया, लेकिन फिर भी ये ऑटोमेटिक इसने इस रेशियो के साथ छोटा कर दिया। आप इसको अनलॉक करके रेशियो वही दे दो जो आप देना चाह रहे हो। हाइट कितनी 2 इंच, विड्थ कितनी 3.5, ओके करूं। लोगों की रेपिटेशन नजर आनी शुरू हो गई, ये देख रहे हो हर पेज पे है, जिस मर्जी पेज पे जाओ। और छोटा करूं, और छोटा कर दो, बड़ा करना है बड़ा कर दो, एक ही दफा दिखाना है आप उस हिसाब से इसकी विड्थ बढ़ा दो, थोड़ी सी विड्थ बढ़ा दो अगर एक ही दफा दिखाना है, और हाइट थोड़ा छोटी कर देते हैं, विड्थ को थोड़ा खींच देते हैं, और बुरा जरूर लगेगा लेकिन मैं दिखाना चाह रहा हूं। क्या दिखाना चाह रहा हूं, 3.5 की बजाय मैं इसको कर दूंगा 4 इंच विड्थ और हाइट 1.5 इंच कर देता हूं। ये देखो यहां से लेआउट, पेज बैकग्राउंड, यहां जाओ, विड्थ कितनी करने लगा हूं, डबल कर देता हूं, चलो 8 कर देता हूं, सिर्फ एक दफा दिखाना है, ये देखो, और हाइट इसकी तकरीबन 1 कर देता हूं, 1 चेक करना। ओ विड्थ कितनी कर दी मैंने, लेआउट, पेज बैकग्राउंड, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मैंने बहुत काम कर दी, हॉरिजॉन्टली मुझे ज्यादा करनी चाहिए, 8 या 6 कर देते हैं, वर्टिकल हम इसको 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ये देखो, ये वर्टिकल का मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है, ठीक है, उस हिसाब से आप इसको कर दो, ठीक है। वर्टिकल कितना 1 है, 2 कर देते हैं, मैंने असल में वो एच वी की बजाय मैं विड्थ हाइट को देख रहा था, विड्थ हाइट नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल हमने कर दिया जनाब 3.5 और वर्टिकल कर देते हैं जिस तरह था 2। लंबाई में कितना 2, चौड़ाई में कितना 3.5, कार्ड का साइज मैंने असल में मैं विड्थ हाइट से वो देख रहा था, विड्थ हाइट नहीं है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल मैंने कितना कर दिया जितना कार्ड का साइज है, कार्ड का साइज क्या है 3.5 और कार्ड का हाइट कितनी होती है 2 इंच, तो हाइट में वी में मैंने 2 दे दिया और एच में मैंने 3.5 दे दिया, एच ये होता है ना हॉरिजॉन्टल, तो ये देखो एग्जैक्टली उसने, और मजे की बात है ये हर पेज पे है, हर पेज पे है। हम मिसाल के तौर पे यहां पे मैं बिग टाइटल देना चाह रहा हूं, यहां लिखना चाह रहा हूं पाकिस्तान, ये देखो ये मैंने पाकिस्तान यहां लिख दिया, ठीक है, ऐसे फॉन्ट फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा अच्छा सा ले लेते हैं कोई इनमें से, ये पाकिस्तान मैंने ये लिख दिया, ये पाकिस्तान, ठीक है, ये पाकिस्तान लिख दिया, कॉपी पेस्ट करता हूं, कॉपी यहां पे जाके मैं पेस्ट करके डबल क्लिक करके ऑस्ट्रेलिया लिख देता हूं। अगले पेज पे मैं पेस्ट करके इंग्लैंड लिख देता हूं, उससे अगले पेज पे मैं यहां पे पेस्ट करके डबल क्लिक करके इंडिया लिख देता हूं, उससे अगले पेज पे मैं यहां पे डबल क्लिक करके पेस्ट करके डबल क्लिक करके श्रीलंका लिख देता हूं, और यहां मजीद आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, डिटेल देनी है, कुछ टाइप करना है कुछ, वो भी कर देते हैं, मिसाल के तौर पे अच्छा ये पेज 1 पे कुछ नहीं है, इसको चलें डिलीट ही कर देता हूं, ये देखो ये पेज 1 अब ये बन गया। यहां पे मैंने मिसाल के तौर पे कोई टेक्स्ट भी लिखना था, प्लेयर्स के नाम लिखने थे, पेज 2 पे मैंने प्लेयर्स के नाम में इसी तरह पेज नंबर 3 पे
इस तरह लिखता गया लिखता गया लिखता गया लिखता गया। अब ये आपने जो भी डाटा देना है डाटा दे दिया, ये देखो ये जब मेरे सारे पेजेस रेडी हो गए अगला काम क्या करूंगा मैं, चलो 5 पेज बाकी मैं डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, मुझे 5 ही करने थे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आप वरना सारे करके दिखा देता, इसको पूरी डिटेल दे सकते हैं, कोई टेक्स्ट दे सकते हैं इस लोगों के साथ, मैं इसको प्रिंट करके दिखाने लगा हूं आपको, पीडीएफ बनाने लगा हूं। ये समझ लो मुझे एक लिस्ट प्लेयर्स की दी गई, साथ में उनके फ्लैग्स दे दिए गए और फ्लैग्स के साथ उनकी जो मेन कंट्री का नाम, फ्लैग लगाने फ्लैग भी लगा सकते, सबके अलग अलग फ्लैग्स उसने मुझे सेंड कर देगा, जिस तरह ये डॉक्यूमेंट ये मुझे ये लोगो सेंड किया है फ्लैग भी सेंड कर देगा। तो फ्लैग मैं लगा लगा के इनका प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास रिमेनिंग पेजेस अभी मेरे पास रेडी नहीं है, मैं फालतू जो पेज जो कि टोटल कितने पेज हैं इस वक्त आपके, 10 थे वैसे अब 9 रह गए हैं, छठे से लेके स्टूडेंट्स रिकॉर्ड कीजिएगा, छठे से लेके 10वें 9वें तक आपने खत्म करने हैं, डिलीट करने। कैसे करते हैं स्टेप देखो, राइट क्लिक डिलीट, डिलीट करने हैं, डिलीट डिलीट करने लगा, कॉपी पेस्ट थोड़ी करना है, डिलीट हाँ नहीं डिलीट। और अगर आपके इस पेज को भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, मुझे 4 बार डिलीट करना पड़ेगा, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। आसान सा तरीका देखो, लेआउट में जाओ, डिलीट पेज, कहां से कहां तक, छठे से थ्रू, एक ही एक्शन में, वरना मुझे क्या करना पड़ता स्टूडेंट्स, मुझे एक एक को राइट क्लिक करके डिलीट करना पड़ता, डिलीट करना पड़ता, डिलीट करना पड़ता। अगर कोई 100 पेजेस डिलीट करने पड़ जाते इकट्ठे, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। आसान से ट्रिक क्या है, आप लेआउट मेन्यू में जाओ और यहां से आप उसको डिलीट पे क्लिक करके बताओ उसको कहां से लेके कहां तक। अगर मैं यहां आप मुझे बताओ ना, अगर मैं यहां से लेके थ्रू 4 कर दूं, 4 पेज जाएंगे, पहले से लेके टोटल कितने हैं, टोटल पेज कितने हैं, 5 है, तो पहले से लेके 4 पेज तक डिलीट हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा पेज नंबर 5 थ्रू। अच्छा मजे की बात हो, ये आप अगर नाम मिन के रखना चाहो नाम भी रख सकते हो, पेज 1 के ऊपर किस टीम की इंफॉर्मेशन है, तो यहां पे आप राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, दिस इज अ पेज ऑफ पाकिस्तान टीम, दिस इज अ पेज नेम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, रीनेम यहां से कर दो स्टूडेंट्स, या लेआउट में जाके रीनेम कर दो, एक ही बात है। इसका मतलब पेज का जो नाम होता है वो वैसे जो वो खुद ऑफर करता है वो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, लेकिन बेहतर है जो पेज का कंटेंट है उससे मिलता जुलता नाम रख दो। कल को मेरी बात सुनो, अगर नाम ना रखे हो, मैं आपको कहूं जी ऑस्ट्रेलिया की टीम का जरा पेज देखिए आओ सामने, पेज 1, पेज 2, पेज 3 से थोड़ी आपको पता चलेगा किस पेज पे है, उसका नाम रखो ना ऑस्ट्रेलिया, इसलिए रीनेम करके नाम रख दिया करो, ये पेज कवर पेज है, ये बैक पेज है, ये पेज नंबर 1 है जिस चैप्टर 1 है, ये पेज नंबर जो 2 से लेके पेज नंबर 5 तक इसी चैप्टर 1 के ही रिमेनिंग कंटेंट वहां पे पड़ा हुआ है, चैप्टर 1 पेज 1, चैप्टर 2 पेज 1, चैप्टर 3 पेज 1, टाइटल पेज, कवर पेज, जो नाम रखने हैं रीनेम करके रख दिया करो, ताकि जब आपके पास 100 पेजेस पड़े हों नाम से आपको ढूंढने में आसानी होगी, किस पेज पे क्या है। एक तो ये ना क्लिक करोगे तो सामने आएगा, हाँ हाँ ये अच्छा ये तो टाइटल था चैप्टर 1 का, ये चैप्टर 2 का टाइटल था, या ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये अफगानिस्तान है, जब तक क्लिक नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर नाम रख दोगे तो क्लिक किए बगैर भी आपको पता होगा वो फलां पेज पे फलां बंदों की इंफॉर्मेशन पड़ेगी, क्या ख्याल है, रीनेम। अब मुझे बताओ अगर मैं आपको ये कहूं कि छठा पेज बनाना है मैंने, और बनाते वक्त मैं ये चाह रहा हूं कि मैं डेटे को जो मेरा डेटा यहां पे पड़ा हुआ है ना, मिसाल के तौर पे चलें, इधर मैं कुछ और भी लिख देता हूं,
कोई टाइटल वाइटल और डाल दिया मैंने, ये ऐसे। अगर मैं आपको ये कहूं कि जो इंफॉर्मेशन यहां पर पड़ी हुई है क्या नाम होते हैं लोगों के, हैं चल जो भी होते हैं हमें क्या। अच्छा अगर मैं आपको ये कहूं इस पेज पे जो भी कंटेंट है इसको सेम जिस तरह है सेम कंटेंट इसका एक और पेज बना दो, इसे बोलते हैं डुप्लीकेट बनाना। ये देखो पेज नंबर 5 दिख रहा है, राइट क्लिक डुप्लीकेट पेज, ये भी ऑप्शन सीख लो डुप्लीकेट। अच्छा ये डुप्लीकेट जो बनने लगा है करंट पेज जिस पे लिखा हुआ है दिस इज टीम श्रीलंका और वो साइट के ऊपर ये लोगो शो के साथ, कहां रखना है बताओ, किस पेज के बाद में या पहले रखना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर सिलेक्टेड पेज या आफ्टर सिलेक्टेड पेज, आफ्टर सिलेक्टेड पेज क्या इसकी लेयर्स ऑनली या लेयर्स के साथ कॉन्टेंट भी, क्या मतलब है इसका। अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ये करूंगा ओके तो फिर क्या होगा, क्या फर्क होगा दोनों में बताओ। कंटेंट क्या क्या है, एक बैकग्राउंड लगी हुई है वो तो सब में है, वो तो आएगी ऑब्वियसली, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है श्रीलंका, एक वो साइट के ऊपर एक टीम के मेंबर्स का नाम लिखे हुए और दिस इज टीम लिखा हुआ है, ये इसका कॉन्टेंट है। और अगर मैं सिर्फ ये वाली ऑप्शन ऑन करके करूंगा तो फिर क्या होगा, कंटेंट नहीं आएगा। पता क्या आएगा, पेज नंबर 6 जब आप क्लिक करोगे उसमें दो ऑप्शंस होती है ना, कौन कौन सी, गाइड्स एंड लेयर, और वो लेयर के अंदर क्या होगा, अगर मैं इस ऑप्शन के साथ जाऊंगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने लेयर कहा है नॉट विथ कंटेंट, कंटेंट कहूंगा तो डुप्लीकेट में आएगा, वरना सिर्फ लेयर 1 खाली और गाइड्स बस। उस लेयर 1 के अंदर आपको पता है ये टेक्स्ट वेक्स लेयर 1 के अंदर ही आ रही है तीन चीजें, ये टाइटल और ये वो टीम वो नहीं आएगा। क्या उसको लाना है, लाना है तो फिर ये ऑप्शन ऑन कर देना, डुप्लीकेट बनेगी पूरी बनेगी जिस तरह जो है, ये लो चेक कर लो, पेज नंबर 5 चेक कर लो, पेज नंबर ओ ये क्यों नहीं आया भाई, बाकी तो आ गया हैं? अच्छा बाकी उसने मिला दिया, दिस इज टीम भी आ गया, श्रीलंका भी आ गया, ये उसने क्यों नहीं लेके आया, हद हो गई वैसे, लेट सेलेक्ट की हुई थी, दोबारा से कर लेते हैं हम, क्यों इस डाउट में रहे, डिलीट करके दोबारा बनाता हूं। ये देखो ये आपका पेज है, मैं इसके डुप्लीकेट बनाना चाह रहा हूं, राइट क्लिक यहां इधर से चले जाओ, एक ही बात है लेआउट, और ये क्या है कॉपी विद कंटेंट आफ्टर दिस पेज, यस ओके, वो वैसे मिस हो गया था, ये देखो सेम सेम दोनों पेज सेम है। हाँ इसमें हो सकता है आपने एक नाम बाद में ऐड करना, कर लो लाइक आई वांट टू ऐड वन मोर नेम, लो जी ये इसमें ऐड है पेज नंबर 6 पे, 5 पे नहीं है, देख लो बाद में किया ना डुप्लीकेट, समझ गए, एक चीज बनी हुई है सेम उसकी डुप्लीकेट बना दी, कुछ चेंजेस और करनी है, कुछ और कलर चेंज करने हैं, कुछ और आपने करना हो एनीथिंग आप कर सकते हो, या इसके अंदर आपने इसका कंटेंट में यहां पे भी कोई चेंज करना है मिसाल के तौर पे T1 साल में आपने ऐड कर दिया डैश T1, ठीक है, तो इस तरह या इसका कलर चेंज करना है, सिलेक्ट किया कलर इसका ब्लैक के बजाय मैं रेड कर देता हूं, ये लो थोड़ा कंटेंट मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ये 5 का है ये 6 का है, कोई छोटी मोटी मैंने चेंजेस करनी थी कर दी। अच्छा मुझे ये बताओ आपको किस ऑप्शन की समझ नहीं आई ऊपर वाले 5 में, आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए सर एक काम करें कि पाकिस्तान जो पेज है उसके बाद यहां पे एक चाइना टीम का पेज भी आना चाहिए पाकिस्तान के बाद और ऑस्ट्रेलिया से पहले दरमियान में, अब इसका तरीका क्या हो सकता है, आपने पाकिस्तान वाला पेज क्लिक किया, आप यहां पे क्लिक कर दो प्लस नजर आ रहा है छोटा सा बन गया पेज बीच में आ गया, आया कि नहीं आया,
और मजे की बात है उस पे सिर्फ बैकग्राउंड आया बाकी कुछ नहीं, ये ब्लैंक पेज इंसर्ट हुआ है, ये डुप्लीकेट थोड़ी किया मैंने, ये क्या हुआ ब्लैंक पेज। आपको कि सर ये लोगो कहां से आ गया, भाई ये सेटिंग आपने ऑन की हुई है बैकग्राउंड में इसलिए आ गया, वरना ये भी ना होता ब्लैंक होता, ये तो बैकग्राउंड की ऑप्शन से थ्रू आपने इसको कनेक्ट किया था ना, ये तो आना ही आना है। अच्छा देखो दोबारा देखो, अंडू करता हूं, ये काम करने का एक और तरीका, आपको एक नहीं आपको तीन पेज ऐड करने, कितने तीन, चाइना हांगकांग और आयरलैंड, तीन आपने पेज ऐड करने। मिसाल के तौर पे खाली आपको पेज चाहिए, डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेट तो आपको करना सिखा दिया। अब मैं आपको एक और ऑप्शन जो आपको अभी नहीं बताई थी वो बताने लगा। एक तरीका ये है, आपने जिस पेज के बाद आपने एंटर करो, अगर आप यहां पे क्लिक करोगे, याद रखना अगर यहां पे क्लिक करोगे तो इसके बाद पेज इंसर्ट होगा, अगर आपने यहां पे क्लिक करोगे तो इसके बाद वो पेज इंसर्ट होगा ब्लैंक, अगर आपने पाकिस्तान पे क्लिक किया तो इसके बाद पेज इंसर्ट होना है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपने क्लिक किस जगह पे किया हुआ है, उसके बाद पेज या उससे पहले पेज, उसके बाद या उससे पहले इंसर्ट होगा, वो कैसे होगा, अगर आपने बाद में करना है इस प्लस पे क्लिक कर दो, पहले करना है तो वो प्लस पे क्लिक कर दो, उधर वो बिफोर है और ये आफ्टर है, एक बिफोर का बटन है एक आफ्टर का है। और यही काम अगर आपने मेन्यू के थ्रू करना हो, जो मैंने अभी ऑप्शन डुप्लीकेट बता दी, रीनेम बता दी, डिलीट बता दी, गो टू मैंने पहले बता दिया था, इंसर्ट पेज, इंसर्ट पेज पे जब आप क्लिक करते हो स्टूडेंट्स, आपको बड़ी मजे की दो तीन चीजें बतानी पड़ती हैं, कितने पेज इंसर्ट करने हैं। पहले मैंने सिर्फ एक ही किया था क्योंकि उसने पूछा ही नहीं था, अब आपको इस बॉक्स में पूछ रहा है बाकायदा, ये एक एक्स्ट्रा चीज है, ये उन लोगों के लिए है जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा पेजेस इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ब्लैंक 300 करोगे 300 पेज आ जाएंगे, 3000 करोगे 3000 पेजेस आ जाएंगे, अभी मैंने कितने करवाने हैं तीन, और ये क्या तीन करंट पेज की आफ्टर करवाने या बिफोर करवाने। मिसाल के तौर पे आपने पाकिस्तान से पहले तीन पेज इंसर्ट करवाए, पाकिस्तान से पहले तीन पेज इंसर्ट करवाने तो आपने बिफोर कह दिया, और ये देखो वो कह रहा किस पेज के बिफोर, पेज नंबर वन के बिफोर, पेज नंबर टू के बिफोर, पेज नंबर थ्री के बिफोर, पेज नंबर फोर के बिफोर, मुझे किससे बिफोर, पेज नंबर वन के बिफोर। पेज नंबर वन में इस पर क्या लगा हुआ है, क्या टाइटल है, पाकिस्तान, ये है वन, अगर मैं यहां पे टू कर दूंगा तो इसका मतलब किसके बिफोर, ऑस्ट्रेलिया से बिफोर, ये यहां पे आपने बता देना। अच्छा मजे की बात सुनो, क्या ये जो पेज आएंगे क्या ये बिजनेस कार्ड साइज के पेज हो या आपने A4 या लेटर साइज के, ये भी कह सकते हो आप, ये देखो मैं कहता हूं यार ये स्पेशल पेज है बिफोर में, ये लगाने जो है इसका साइज लेना है लेटर, नॉट बिजनेस कार्ड, जानबूझ के मैं करके दिखा रहा हूं कि जरूरी नहीं होता कि जो नया पेज आ रहा है उसका साइज भी वही रखना है, साइज डिफरेंट भी ले सकते हो, वो जो तीन पेज आने लगे हैं। वैसे नॉर्मली इस वक्त क्या सीक्वेंस था, साइज क्या चल रहा था 3.5x2, लेकिन नए आने वाले पेजेस के लिए आपने क्या साइज बता दिया, नॉट बिजनेस कार्ड बल्कि लेटर साइज, करूं क्या, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, ओके चेक करो, क्योंकि लेटर साइज है 3.5 विड्थ दी थी, सॉरी हॉरिजॉन्टल दिया था, वर्टिकल 2 दिया था, 8.5 पे रिपीट ही होंगे ना, वो साइज बड़ा हो गया, पहले आपने किसके लिए सेट किया था, वो साइज कार्ड के लिए 3.5 आपने उसके हॉरिजॉन्टल दिया था, 2 इंच उसका वर्टिकल सेट किया था, लेकिन चूंकि पेज का साइज 8.5x11 कर दिया गया है, उस पे भी बैकग्राउंड लगेगा क्योंकि बैकग्राउंड ऑन है, जब तक बैकग्राउंड ऑन है ये बैकग्राउंड दिखाई देगी, कल को अगर आपको कहा जाए यार बैकग्राउंड तो चेंज करो, ये नहीं लगाना था कुछ और लगाना था, लगा के दिखाऊं क्या, ये देखो ये पहला दूसरा तीसरा तो वही है, चौथा वही आ गया, फिर आपका कार्ड साइज देख रहे हो, बैकग्राउंड चेंज करूं, आपको कोई तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ एक काम करना है, लेआउट मेन्यू में जाना है, पेज बैकग्राउंड पे जाना है और आपने फाइल को चेंज कर देना है, मिसाल के तौर पे ये फुटबॉलर की लगानी है या ये लोगो लगाना है, ये वाला लो जी
अब लोगों का इस वक्त साइज पता कितना है? 8 by 8। कितना कर दूं बताओ? वही कर दूं 3.5 by 2। हॉरिजॉन्टल 3.5 है ना, इसको अनलॉक करो और इसको कर दो 2। ओके करूं क्या? आ गया, हो गया। तीन पेज, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, देख रहे हो? कंटेंट नहीं बदला, कंटेंट वही है, कंटेंट वही है जो था, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको हम छोटे छोटे टाइल्स की फॉर्म में लगाना है तो 3.5 की बजाय मैं इसको 0.5 कर देता हूं। ये पूरे कार्ड के ऊपर 0.5 छोटे 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 छोटे। अब क्वेश्चन है एक आपसे, ये जो लोगो है इसकी प्रेजेंस ने कंटेंट को डिस्टर्ब कर दिया, नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि लोगो की अपनी जो प्रेजेंस है वो बड़ी ब्राइट डार्क कलर्स में है, उस वजह से दिखाई नहीं दे रहा आपको कॉन्टेंट। अब आप लोग इसको क्या सेट कर सकते हैं? यस, फोटोशॉप में जाके इसके कलर्स को आप कम कर सकते हैं। ये बहुत डार्क कलर है, देखो नजर ही नहीं आया पाकिस्तान लिखा हुआ। इसको आप कहां पे सेट करोगे जाके? इस लोगो को जाके फोटोशॉप में आप रिड्यूस करोगे ओपेसिटी इसकी, सेव करके फिर इसको ओपन कर लेना, बैकग्राउंड में लाइट कलर में आ जाएगा। कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आपको बताऊंगा उसमें, इसमें भी ओपेसिटी है, ये ट्रांसपेरेंसी है, लेकिन इसको करने के लिए मुझे थोड़ा सा ये टूल सिखाना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये हमें नहीं करना मिसाल के तौर पर। कोई और ले लेते हैं लोगों, अगर आपकी प्रेजेंस को डिस्टर्ब कर रहा है कोई और लगा लेते हैं। ये लो बस, ये बैकग्राउंड में अदर देन दिस ये रखने लगा हूं। ये देखो, ये लगा लेते हैं फुटबॉलर, क्या कस्टम? कितना? 3.5 by 2। इसका मतलब एक सिर्फ पिक्चर चेंज करनी है आपने और आपका हर पेज के ऊपर उसकी प्रेजेंस होगी, कंटेंट डिफरेंट होगा उसका लेकिन प्रेजेंस होगा, देख रहे हो? बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से आपके लिए काम करने में ये आसानी हो जाती है। बाद का तो आपको कंपनी अपना लोगो भेज देती है, वो कहती है यार ऊपर जो भी आपने कंटेंट रखना है, पिक्चरें रखनी है रखो, टेक्स्ट जो कहूंगा वो लगा दो, टाइटल जो लगानी है लगा दो, जो डिटेल देनी है पैराग्राफ में दे दो, लेकिन कंपनी का लोगो सेंटर में मुझे दिखना चाहिए हर पेज पे। तो लोगो आपको भेज देगा, उसको आपने बैकग्राउंड में जाके ऑन कर देना। कितना सा काम करना है, सिर्फ उस फाइल को कनेक्ट करना है और बैकग्राउंड में ऑन हो जाएगा और हर पेज पे आ रहा है लोगो, ये समझ लो लोगो ही है। अच्छा, मैं जरा जल्दी से आखिरी एक्शन जो इसमें करके दिखाना चाह रहा हूं, पीडीएफ बनानी है। और ये शुरू की मैं फाइलें खत्म कर देता हूं क्योंकि इन्होंने डिस्टर्ब किया हुआ है, मैं 1, 2, 3 को खत्म करने लगा हूं। लेआउट, डिलीट फ्रॉम विच पेज टू विच, 1, 2, 3। ओके, शुरू के पेज में डिलीट कर दिए। अब ये आपके पास पेज है जिसके ऊपर हर टीम के आपने फ्लैग लगा दिए, उनके प्लेयर्स लिख दिए, उनके टाइटल्स दे दिए और उसको प्रिंट करने के लिए भेजने लगे प्रेस में। फाइल, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट कर दिया मैंने, एक्सपोर्ट करना, सॉरी, एक्सपोर्ट यहां से भी कर सकते हैं पीडीएफ। ये देखो, ये लिखा हुआ नजर आ रहा है पीडीएफ, यहां से भी कर सकते हो, ये बटन बना हुआ है यहां से भी कर सकते हो, फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके यहां से भी कर सकते हो। हाँ, क्या बात है तेरी है? और यहां पे आप चले जाओ डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये क्लाइंट है हमारा हारून, इसको ये वाली फाइल मैंने प्लेयर्स पेज, प्लेयर्स या टीम पेज, चलो चेक कर लो। बाकी इसमें अभी मैं आपको सेटिंग बताऊंगा इंशाल्लाह सारी, अभी ओके कर देते हैं। क्या ये पीडीएफ बन गई? चेक करनी है, कहां रखी है? डेस्कटॉप पे, मिस्टर हारून क्लाइंट, ये पीडीएफ बन गई टीम प्लेयर, ओपन करें। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका, ए और टी वन। देखो लोगो कॉर्नर पे रखना है, उसके लिए एक और काम करना पड़ेगा। आप
बैकग्राउंड में ना लगाना। ये तो मैंने आपको बताया बैकग्राउंड एक ऑप्शन है जो सारे पेजेस पे ऑन कर देता है। मैं बैकग्राउंड को खत्म करता हूँ। आपकी जो जो मुझे आपने टास्क दिया है, आपने कहा सर लोगो मुझे कॉर्नर पे लगाना है, अच्छा लगा लेते हैं, लेआउट को खत्म कर दो। लेआउट से ये काम होना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। नो बैकग्राउंड कह दो, गई। अब आपने क्या करना है, आपने उस लोगो को यहां पे इंपोर्ट करना है जिस जगह पे लगाना है। मिसाल के तौर पे आप यहां पे जा रहे हो, सबके लगाना यहां पे, ठीक है। मैं जाता हूं फाइल इंपोर्ट, इंपोर्ट में एज ए लोगो, मिसाल के तौर पे एज ए लोगो मैं ये लगाना चाह रहा हूं, ठीक है। इंपोर्ट किया, यहां पे आपने जाके लोगो लगा दिया। ये हर पेज पे नहीं आएगा जब तक आप हर पेज पे इसको प्रिंट नहीं करोगे, इसी तरह कॉपी पेस्ट। ये है अभी तक का मसला। अगर आपको मैं ये कहूं कि लोगो मुझे 100 पेजेस पे लेके आना है, तो क्या ये 100 बार पेस्ट करना पड़ेगा, हर पेज पे अलग अलग करना पड़ेगा? अभी तो यही करना पड़ेगा, अभी तो यही करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करते नहीं हम लोग, आसानी से ही काम हो जाता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको करके दिखा देता हूं, लेकिन इसकी डिटेल में आपसे फिर शेयर करूंगा। अभी स्टूडेंट्स, ये लोगो किस किस पेज पे आएगा, जिस पे आपने पेस्ट किया है, एक ये, एक दूसरे पे, या तीसरे पे होगा? नो, क्योंकि यहां पे अभी तक आपने पेस्ट नहीं किया। अब मैं आपको एक आसान सी ट्रिक बताऊं, आज मैं आपको चलो बता देता हूं, मास्टर पेज का काम है ये। मास्टर पेज के ऊपर जो भी रखोगे वो सारे पेजेस पे प्रिंट करने के लिए होता है। दिखाऊं करके, ये देखो, यहां से डिलीट कर देता हूं, एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूं। अब आपकी डिमांड क्या है कि लोगो सर 6 है या 600 या 6000 पेज है, लोगो लगा दो जरा। कंटेंट हमने रख दिया जो रखना था, टाइटल वाइटल इमेजेस टेक्स्ट जो भी आपने बनाना था बना दिया। अब मैं आपको एक छोटा सा काम करके दिखाने लगा हूं। आपने करना क्या स्टूडेंट्स, आपको याद है ऑब्जेक्ट पैनल में सबसे नीचे एक ऑप्शन थी मास्टर पेज, मास्टर पेज, मास्टर पेज। मैंने कहा था इसको अभी छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आज मैं आपको कह रहा हूं नहीं, इसको यूज कर लो, ये मास्टर पेज। मास्टर पेज एक ऐसा पेज होता है जो कंटेंट यहां रखा जाएगा एक लेयर बना के, वो हर पेज पे आएगा। मिसाल के तौर पे लोगो हर पेज पे आएगा। अब देखो मैं करने के लगा, जरा गौर करना, मास्टर पेज पे क्लिक किया। अच्छा, मास्टर पेज पे स्टूडेंट्स याद रखना 3 ऑप्शंस होती हैं, जिस तरह ऊपर होती है ना पेज 1 पे गाइड्स होती हैं, इसमें सिर्फ गाइड्स नहीं होती, इसमें एक डेस्कटॉप भी होता है, अभी नहीं बता रहा इसका इस्तेमाल। डॉक्यूमेंट ग्रिड भी हो रही है, अभी नहीं बता रहा इसका इस्तेमाल। आपने यहां पे एक नई लेयर बनानी है, ये देखो, इस पे नहीं क्लिक करना। अभी आपने किस पे क्लिक किया हुआ है, क्या पेज 1 पे क्लिक किया हुआ है, 2 पे क्लिक किया हुआ है? नो, मास्टर पेज पे क्लिक कर देना। और आपने यहां पे पता क्या करना है, इस बटन पे क्लिक कर देना। दोबारा देखो, डिलीट करके दोबारा बना देखो, आपने इस एरो, छोटा सा एरो दिख रहा है आप लोगों को, इस पे आपने क्लिक करना है। ये क्या लिखा हुआ है, ऐसी लेयर जो हर पेजेस पे आएगी। क्या लिखा हुआ है, न्यू मास्टर लेयर फॉर ऑल पेजेस। ये क्लिक करके जरा इसको ले आओ सामने, ये आ गया। इसको क्लिक करके अब आप अपना लोगो इंपोर्ट कर लो। इसको क्लिक करके आपने क्या करना है, जो इस लेयर के अंडर रखोगे वो सारे पेजेस पे आएगा। लेके आऊं, चेक करो कहां लगाना है लोगो, इधर लगा दो। ये देखो, क्या ये मास्टर लेयर के अंडर ये लोगो आ गया, लेयर 1 ऑल पेजेस के अंडर, क्योंकि आपने क्लिक किया हुआ था उसी के अंडर आना था। और ये आने का मतलब क्या हुआ, ये अब हर पेज पे आएगा। 6 पेज है या 6000 पेज है, दिखाऊं क्या दूसरे पेज पे? क्या आसानी नहीं होगी? तो मास्टर पेज का मतलब क्या होता है, ऐसा कंटेंट जो हर पेज पे रखना हो, इसके अंडर आप रख लो। दोबारा से देखो, क्लिक किया, साइज में अगर एक जगह पे बड़ा करूंगा ये सारे पेजेस पे ऐसा हो चुका होगा। दिखाऊं, और मजे की बात,
अगर मैं आपको कहूं कि इसके नीचे एक बॉक्स बना दो रेड कलर का, अभी बना देते हैं, क्या वो हर पेज पे चाहिए या एक खास पेज पे चाहिए? अगर तो हर पेज पे चाहिए तो लेयर वन पे क्लिक कर देना। किसकी लेयर वन? मास्टर पेज के अंडर लेयर वन, ऑल पेजेस, और ये बॉक्स बना देना, या चलें सर्कल बना देता हूं ऐसा, और इसके अंदर मैं फिलिंग भी कर देता हूं, ये लो, और इसकी कॉपी बना के आगे मैं रोल ऑन कर देता हूं, कंट्रोल डी करके रिपीट कर देता हूं। अब मुझे बताओ ये क्या एक पेज पे आएगा या सब पे आएगा? सब पे आएगा, ये देखो। आई समझ के नहीं आई? आप यहां पे मास्टर पेज के अंडर इस लेयर पे हर कंट्री के नाम के ऊपर एक सर्कल बनाना चाह रहे हो या एक बॉक्स बनाना चाह रहे हो? ये देखो, बॉक्स का कलर देना चाह रहे हो, ये देखो, बॉक्स का वेट बढ़ाना चाह रहे हो, ये देखो, क्या ये सब पेजेस पे आएगा? यस। क्यों? लेयर वन ऑल पेजेस पे आपने ऑन करके टिक किया है, ये लो। अब इसका मतलब स्टूडेंट्स, मास्टर पेज का रोल आज से आपको पता लगना शुरू हो गया। ऐसा कंटेंट, कोई शेप है, कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, कोई डिजाइन है, जो हर पेज पे आप लेके आना चाह रहे हो, वो आपने मास्टर पेज पे रखना है, लेयर क्रिएट करके, फॉर ऑल पेजेस। इसका फायदा क्या होगा? ये आमतौर पे कंपनी का लोगो, मिसाल के तौर पे कंपनी का लोगो आपको हर पेज पे चाहिए, यहां रख दो, क्या क्या है? या कोई बुक है, बुक का ऑथर का नाम नीचे और बुक का जो नेम है वो ऊपर प्रिंट करना है, ऑथर का नाम, ऑथर और बुक का टाइटल आप हर पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हो। 100 पेज हैं, 100 पेज का कंटेंट अपना अपना होगा ना, हर चीज की फिट, इमेज अलग होंगे, टेक्स्ट अलग होगा, टाइटल्स अलग होंगे, बना दो। फिर आपको कहा गया यार एक काम करो कि जो बुक का नाम, अब पेज नंबर भी देना है। क्या मैंने अभी तक आपको बताया कि पेज नंबर होता है? क्या इसमें कहीं पे पेज नंबर का जिक्र हुआ है? क्या कौन होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगा सकते हो, टैगिंग कर सकते। अच्छा मजे की बात है, इस पे पेज नंबर भी आ जाएगा। क्या अभी तक कहीं पे पेज नंबर नजर आया? लगा दूं क्या? चेक करो, आपने जाना है लेयर पे, उसी पे, और यहां पे ऑप्शन लेआउट मेन्यू में थी एक, आज क्लोज कर रहा हूं जी, इंसर्ट पेज नंबर, और उसके साथ क्या लिखा हुआ है? ऑन एक्टिव लेयर ऑन ऑल पेजेस, कर दूं, ये लो पेज नंबर आ गया। चेक करो, ये है पेज नंबर, इसको पोजीशन कर लो, यहां नहीं रखना आपने। मिसाल के तौर पे पेज नंबर मैं यहां से उठा के इसको यहां रखना चाह रहा हूं, या थोड़ा डिस्टेंस करना चाह रहा हूं यहां पे, ये देखो, अब आपके हर पेज पे पेज नंबर आएगा। और सिर्फ पेज नंबर नहीं आएगा, बल्कि अगर आप इसके अराउंड सर्कल भी लगा लो, सर्कल भी आएगा, सर्कल लगा दो इस पे, ये देखो, ये देखो, मास्टर पेज के अंडर, गौर करो स्टूडेंट, एक लेयर और बन गई, मैंने नहीं बनाई। क्या नाम है इसका? मास्टर पेज के अंदर लेयर टू ऑल पेजेस, क्या लग गया इस पे? पेज नंबर। क्या इसके ऊपर आप सर्कल भी लगाना चाह रहे हो? सर्कल लगा दो इस पे, ये देखो, सर्कल सिलेक्ट किया मैंने लिस्ट में से, और इधर देखो ऑल पेजेस ऑन किया हुआ, और एक सर्कल बना दिया, ऐसे सर्कल बना दिया। चेक करो क्या हर पेज के ऊपर पेज नंबर आया कि नहीं आया, ये देखो, आगे पीडीएफ बनाओ, सेंड करो जिसको भी करनी है। कोई हमने हम इंशाल्लाह असाइनमेंट आपको दूंगा, रियल स्टेट के बिजनेस पेज के बनानी है, आपने एजुकेशन साइड के बिजनेस के लिए कुछ पेजेस आपने डिजाइन कर, पेज नंबर भी चाहिए उसका, कंपनी का, उस इंस्टीट्यूट का, उस कॉलेज का, उस यूनिवर्सिटी का लोगो भी चाहिए, और हर लोगो हर पेज के ऊपर उसके अपने कॉन्टेंट, अलग अलग कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है,
कोई 10 पेज आपने बनाने, या कोई रियल स्टेट बिजनेस में आप हो और रियल स्टेट बिजनेस में डिफरेंट डिफरेंट जो डील्स हैं या डिफरेंट डिफरेंट जो मरला स्कीम्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके आपने फोटोज लगाने हैं, साथ में कैटलॉग बनाना है, या कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के डिशेज को आपने वहाँ पे प्रोमिनेंट करना है, प्राइस टैग के साथ अच्छा सा बना के कैटलॉग फैक्ट्री कवर पेज के साथ आपने डेस्क के ऊपर रखना है। नंबरिंग भी चाहिए, लोगो भी चाहिए, कॉन्टेंट हर पेज का अलग अलग होगा, हर इमेज होगा, उसका टेक्स्ट जो भी रखना है, रखने के बाद उसको प्रिंट निकाल दो, पीडीएफ बना दो। क्या आज आपके बहुत सारे मसले क्लियर हुए? कुछ ना कुछ तो, बाकी मेहनत आपकी है। ले जी, आज के लिए इतना। अब